दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि Android P लॉन्च हो चुका है और वो अभी सिर्फ Google Pixel डिवाइसेस के लिए है। और Android P में कुछ अच्छे और कमाल के फीचर्स हैं और उनमें से एक फीचर है iPhone X की तरह नेविगेशन गेस्चर बार। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे iPhone X की तरह और Android P के नेविगेशन गेस्चर बार को अपने Android मोबाइल में ला सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं Android पावर। दोस्तों Android P नेविगेशन गेस्चर बार लाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है नेविगेशन गेस्चर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना है और ये ऐप आपसे रूट परमिशंस मांगेगा। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो ये एकदम मस्त काम करेगा। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसका भी तरीका है मेरे पास। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कमांड आ रही है, आपको ये कमांड को ADB से रन करना होगा और ये ऐप आपके फ़ोन में मस्त चलेगा। सभी परमिशंस देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। सिंपली आपको नेविगेशन गेस्चर्स को इनेबल करना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको कुछ अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे, आप इन सेटिंग्स को अपनी इच्छा के अनुसार अदद बदल कर सकते हैं। इनमें से दो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है, एक है गेस्चर्स और दूसरी है अपीयरेंस। गेस्चर्स में आप जाएंगे तो आप अलग अलग गेस्चर्स को अलग अलग एक्शंस के साथ मैच कर सकते हैं और अपीयरेंस में आप जाएंगे तो आप पिल की हाइट और विड्थ घटा बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मस्त काम कर रहा है, मेरे को एप्लीकेशन स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बैक और होम बटन भी सही से काम कर रहे हैं। और मैंने ये ऐप अपने MI A1 में और OnePlus 5T में यूज़ किया है तो मेरे को फ़िलहाल इस ऐप में से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त चल रहा है, कोई लैग वैग मेरे को देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा ये हिंदी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।